एवरीबॉडी, दोनों हाथ बाहर सीधे। क्या जयदलन क्या कर रहे तुम? पर उन्होंने बोला ना ऐसे हाथ एक एक हाथ के उससे थोड़ा दूर खड़े रहो ना भाई। एवरीबॉडी ठीक है? अरे पोपटलाल क्या कर रहे हो भाई, अपना छाता दूर हटाओ ना भाई। सॉरी सॉरी मेहता साहब, क्या सॉरी? हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। अब मुझे फॉलो करिए, अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। अब मेरे साथ राइट, घूमिए अपनी कमर, सीधा लेफ्ट, सीधा गुड। अब मेरी विसल पर आप लोग ये फिर से दोहराएंगे। रेडी, 1 2 3। एक्सरसाइज नंबर 2, जैसे आपके हाथ हैं वैसे ही रखिए और मुझे फॉलो करिए। वेरी गुड। ओके, अब मेरे पास एक फन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ये करके आप सबको मजा आएगा शायद। ऑलराइट, ऐसे पूरे आपको अपनी कमर घुमानी है एक डायरेक्शन में, पूरा 2 राउंड लेना है। ओके, नाउ लेफ्ट पर, ठीक है? चाचा जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। सब मेरे साथ ये करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, कम ऑन। अब मैं आप लोगों को योगा करना सिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए हमें योगा मैट्स की जरूरत है। प्लीज पीछे जाइए और अपने अपने योगा मैट्स लेकर इसी पोजीशन पर वापस आइए, लेकिन नो शूज एंड नो सॉक्स। ओके ओके, हाँ सर। सो एवरीबॉडी सेट? यस यस। वेल एब्सोल्युटली। पोपटलाल, यस यस यस। आपका छाता अभी इसी वक्त यहाँ रख दो। क्यों? छाते को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता, ये आज तक कभी मुझसे जुदा नहीं हुआ है। I said that's an order. क्या पोपटलाल, रखो ना भाई। संभाल के रखना भिड़े। ऊपर है स्टेज के। Good. अब आप सब बैठ जाइए। अब सभी ध्यान से सुनिए। जाया। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। आसन का अर्थ है सुविधा पूर्वक सहजता से एक चित होकर बैठना। आज आप लोगों का पहला दिन है, तो हर आसन आराम से करना, जिससे जितना हो सके उतना करना, समझ गए? हाँ, ओके। तो हम पहले पद्मासन में बैठेंगे। अपनी पीठ को सीधे रखें, सामने देखें और हाथ ऐसे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है सोफिया जी, मुझसे भी नहीं हो रहा। जिससे पद्मासन नहीं हो रहा है वो पालथी मार के भी बैठ सकता है। थैंक यू। थैंक यू। मुझसे पालथी मार के भी नहीं हो रहा। हाथी भाई, आप जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठिए, ठीक है? अब सभी अपनी आंखें बंद करके एक सांस में ओमकार बोलेंगे जी। मैं आपको करके दिखाती हूँ।
ओके, गुड। अब आप आराम से बैठ सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब आप ध्यान कर रहे थे तो आपके मन में क्या विचार आ रहे थे? मेहता जी, पहले आप बताइए। असल में सोफिया जी, मैं तो ये सोच रहा था कि दुनिया में वह सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा जिसके मन में ये विचार आया होगा कि करेले जैसी चीज खाई भी जा सकती है। जेठालाल, आप बताइए। वो मैं पार्टी के बारे में सोच रहा था। जेठा प्राप पार्टी। ए, रोशन, सू? तू पार्टी के बारे में सोच रहा था? अरे नहीं नहीं बापू जी, वो वाली पार्टी नहीं, वो एक पार्टी से 15 लाख का पेमेंट नहीं आ रहा है, उसके बारे में सोच रहा था। सोढ़ी, आप बताइए। ओ मैडम जी, मैं तो असली पार्टी शार्टी के बारे में सोच रहा था। रोशन, बस हाँ, मैं बोट है क्यों? अय्यर, आप बताइए। मैं रिसर्च सेंटर के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा था। कौन सा? वो कॉन्फिडेंशियल है। मिस्टर बैचलर, आप बोलिए। मैं सोच रहा था कि मेरी शादी कब होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मेरी शादी किससे होगी। मिस्टर भिड़े। सुफिया जी, मैं ये सोच रहा था कि बच्चों की एग्जाम नजदीक आ रही है, तो काफी सारा पोर्शन कवर करना है, तो वो कैसे करूं? हाथी भाई। मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से जाने के बाद क्या क्या खाऊंगा। नॉट बैड। चलिए अब लेडीज, आप बताइए। माधवी। मुझे तो इनके विचार आ रहे थे। ओ, ओ, भिड़े। आत्माराम तुकाराम भिड़े। माधवी, तू पण काय सगळ्यास? नहीं नहीं, तसं नाही, वो कल आचार पापड की डिलीवरी करनी है ना, म्हणून हो। शांत भिड़े, भाई माधवी भाभी ने तुझे विचारों में भी काम पर ही भेजा। अंजलि, तुम बताओ। एक्चुअली कैंप खत्म होने के बाद मैं सबको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज? सोच रही थी वो सरप्राइज सबको पसंद आएगी कि नहीं। मर गए, जरूर कोई कड़वा सरप्राइज होगा। कोमल। मैं ये सोच रही थी कि एक्सरसाइज के बाद हंस और गोली बेबी को बहुत भूख लगेगी, तो उनके लिए क्या क्या बनाऊं? थैंक यू कोमल। वाह वाह कोमल, एक सोचता है क्या क्या खाऊंगा और पत्नी सोचती है क्या क्या बनाऊंगी, भाई क्या जोड़ा है भाई, वाह वाह वाह। रोशन, तुम? सुफिया जी, मैं ये सोच रही थी कि मेरा रोशन पार्टी शार्टी के बारे में सोचना कब बंद करेगा। वो कमा रहा है यार, ये तो पार्टी शार्टी करने के बारे में सोचने पर भी पाबंदी लगा रही है। स्टोरी लुच्चा। एंड बबीता। वेल सोफिया, मैं अपनी फिटनेस के बारे में ही सोच रही थी। हाय मैं मर जाऊं। दया भाभी, आप बहुत शांत लग रही हैं। आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? सोफिया बहन, मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे ओम दावत की याद आती है। तो फिर मैं माँ के बारे में सोच रही थी, फिर सुंदर वीरा के बारे में भी सोच रही थी, फिर अहमदाबाद की पोड़ के बारे में सोच रही थी, और उसमें हमारे पड़ोसी है ना चकू मौसी, उनको भी देखा, और उसके बाद उनकी गाय है रोबा, और उसके 3 वाछड़े हैं, उसके बारे में भी सोच रही थी। अहमदाबाद का पतंग उत्सव है, लपेट लपेट। फिर अहमदाबाद का लोग आडा नरे और फ्रंट, और अहमदाबाद
मिनट में इतना सारा घूम के आई तू? क्या करूं मैं ऐसी हूं। मजा आ गया। अब्दुल ओ दुकान में मसाला सोडा का स्टॉक खत्म हो गया है, ऑर्डर करना था, उसके बारे में सोच रहा था। वाह वाह वाह, ये अब्दुल अपने सोच पे भी हमारा कितना ख्याल रखता है। हाँ। सही बात है। चाचा जी आप बताइए। बेटा मैं कुछ नहीं सोच रहा था, मुझे बस आनंद आ रहा था। वेरी गुड चाचा जी, वेरी गुड। सुना आप लोगों ने, मैं आप लोगों से भी यही सुनना चाहती थी। हम सभी को अपने काम, अपने बिजनेस या नौकरी के टेंशन के बारे में सोचने के बजाय आनंद और खुशी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहने से मन शांत और प्रफुल्लित रहता है, और जब मन शांत रहता है तो गुस्सा भी अपने आप शांत हो जाता है। समझ गए? समझ गए। सही कहा, सही कहा। सारे सारे गुड। अब सब खड़े हो जाइए। चलो आज खत्म हो गया। चलो चलो। अब हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा म्यूजिक और डांस लेकर आएंगे, मतलब एरोबिक्स टाइम। ओके। सब वही करेंगे जो मैं करूंगी। रेडी? म्यूजिक। आप लोगों से, आप सभी अपने खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब योगा शुरू करने से पहले हम गर्दन की कसरत करेंगे। पहले हाथ नीचे, फिर आहिस्ते से लीजिए अपनी कमर की तरफ, गर्दन सीधी, गर्दन को नीचे झुकाइए ऐसे, और फिर ऊपर आसमान की तरफ देखिए ऐसे, और फिर सीधे। ये आपको 10 बार करना है। चलिए करिए। अब गर्दन को राइट शोल्डर तक ले जाइए ऐसे, फिर लेफ्ट शोल्डर तक, सही से करिए प्लीज। अभी गर्दन को लेफ्ट शोल्डर से लेकर राइट शोल्डर तक घुमाना है, फिर राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर तक। सब ठीक है?
बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहे सोफिया जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे। इसे तो नैक एकदम फ्री हो गया। पूरा दिन लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठ के काम करने वाले लोगों के लिए, मतलब हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत काम की एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली, सुना आप लोगों ने, तो ये कसरत करते रहिएगा। ये गर्दन का पूरा दर्दन मिट गया, दर्द मिट गया। तो अब योगा शुरू करते हैं। पहले करेंगे उठकट आसन। कौन सा बिस्कुट आसन? नहीं हाथी भाई, बिस्कुट आसन नहीं, उठकट आसन। अच्छा अच्छा, मुझे देखिए, हाथ इधर, बैठने की पोजीशन पे जाइए और हाथ सीधे अपने हाथ की तरफ देखिए और इसे आप पूरे 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे, ठीक है? करिए। कम ऑन गोकुलधाम, बैलेंस कीजिए। ओके, अब हम करेंगे वीरभद्रासन। ऐसे अरे सब लोग अपनी बॉडी का वेट मैनेज कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ध्यान रखिए। अब दूसरे पांव से वही करेंगे। हाँ जेठिया, अप, यस, अरे, गोली, उठो, क्या कर रहे हो? सर्वांगासन, ऐसे पाँव ऊपर करना है, कम ऑन, ऊपर उठाओ पाँव, हाँ, उठाओ, पाँव ऊपर उठाओ, ऐसे, और हाथ लेके जाएंगे सीधा ऊपर, कान को टच करते हुए सीधा ऊपर। अब दूसरे पाँव पे ट्राई कीजिए, ऐसे, कृष्णासन नहीं, वृक्षासन। Very good, everybody. गोकुलधाम, आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब अगला आसन करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। मेरा ये कैंप 3 दिन तक चलेगा, उसके बाद आपको अपने घर में कसरत करनी होगी। आज आपका पहला दिन है तो हो सकता है कुछ लोगों को बदन में दर्द होगा, जो अक्सर होता है। इसे स्वीट पेन कहते हैं, कोई भी पेन किलर नहीं लेगा। और हाँ, मैंने अक्सर देखा है कि लोग पहले दिन तो बड़े जोश में आते हैं लेकिन अगले दिन बदन के दर्द का बहाना बनाकर नहीं आते, जिससे मेरी रेपुटेशन खराब होती है। इसीलिए कल अगर आप में से कोई एक भी कसरत करने नहीं आया तो मैं पूरी सोसाइटी से 50,000 रुपए का दंड वसूल करूंगी। हाँ?
कसरत के पहले दिन थक के चकनाचूर हुए गोकुलधाम निवासी दूसरे दिन कसरत से छुट्टी मनाने का सोचें, या अगर हम चलताऊ भाषा में बात करें कि कल्टी मारने का सोचें, उससे पहले ही सोफिया ने 50,000 रुपए के दंड की बात करके सबकी बोलती बंद कर दी। भाई अब सोफिया की इस धमकी का क्या असर होता है ये तो कल पता चलेगा, लेकिन उसके पहले मेरी धर्मपत्नी एटीएम यानी कि अंजलि तारक मेहता ने सबको सरप्राइज देने की घोषणा की है। अब ये सरप्राइज क्या रंग लाता है ये देखना होगा। अब भाई व्यायाम और कसरत से थक के चकनाचूर गोकुलधाम निवासी अंजलि के इस सरप्राइज को सहन कर पाते हैं या नहीं ये तो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि ये तो सस्पेंस है और सरप्राइज क्या होता है ये तो खुद आप देख ही लेंगे। लेकिन जो भी सरप्राइज यहां होगा होगा ठाकुर के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।